हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी है KTM की दो जनरेशन, एक है सेकंड जनरेशन ड्यूक और एक है आपकी थर्ड जनरेशन ड्यूक। दोनों ही ड्यूक 250 हैं। और भाई आप जैसा कि देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया दोनों में। अगर ये आपकी सेकंड जनरेशन ड्यूक 250 को देखोगे तो सामने के जो LEDs हैं वो आगे से फ्लैट हैं, और साथ में सस्पेंशन जो है वो आपके WP के ही लगे हुए हैं, और साथ में जो आपका पेट्रोल का जो टैंक का जो काउल है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और मतलब चेंजेस हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेडलाइट आपको बिल्कुल चेंज मिलेगी, पेट्रोल टैंक का जो काउल है वो भी बिल्कुल चेंज मिलेगा, सस्पेंशन जो है वो मुझे लग रहा है सेम ही है, ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा रैंप होएगा। एक बार साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों ड्यूक। आप देखो यहाँ साइड से आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा दोनों में चेंज। तो पावर में भी चेंज आ गया है, बिल्कुल नया इंजन आपका यूज़ हो रहा है। पहले वाला जो इंजन था वो आपका 30 PS की पावर देता था, 24 Nm का टॉर्क। अभी वाला इंजन 31 PS की पावर दे रहा है और 25 Nm का टॉर्क। तो पावर टॉर्क दोनों बढ़ गया, वेट कम हो गया, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। पुरानी वाली ड्यूक 170 kg की अप्रॉक्सीमेट आती थी, नई वाली ड्यूक 163 kg है। तो 6 से 7 किलो का वेट का डिफरेंस आया है, और पेट्रोल टैंक बड़ा हो गया 15 लीटर का। पुरानी वाली में पेट्रोल टैंक छोटा था। तो करने वाले ड्रैग, सबसे पहले मैं नई वाली चलाऊँगा। हाँ, बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत धूप रखी है भाई। उठा दें, बोलिए, विली मार दी जाए। और इंस्टाग्राम ऑन किया जा रहा है, Insta360, रील वील थोड़ी आ जाएंगी साथ में। बैटरी लग रहा है ख़त्म हो गई है, ऑन नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, चलवाओ, बैटरी ख़त्म हो गई है। सुबह से शूट कर रहे हैं भाई, बताइए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। सुबह से शूट कर रहे हैं, 11 बज गया है, सुबह 4:30 बजे आ गए थे हम लोग यहाँ पे। चलो, तो अब पता चलेगा दोनों के इनिशियल में चेंज। अभी तक तो आगे है पुरानी वाली, नई वाली ड्यूक अभी तक तो आगे है। ओ भाई, उसको कुछ चित्र का फायदा मिल सकता है, कुछ चित्र का फायदा मिलेगा। यही फायदा होता है जो आपका माइनस सेकंड का भाई गैप होता है ना, वो कुछ चित्र से निकल जाता है। अभी तक भी आगे नई वाली ड्यूक। अभी भी आगे है नई वाली ड्यूक, और मुझे लगता है टॉपिट में आगे ही रहेगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं चल रहा है, बगल सामने चल रही है गाड़ी, गैप कम हो रहा है, कम हो रहा है, भर रहा है गैप धीरे धीरे। अभी क्या कहते हैं इसका, 6 गियर मैंने डाल दिया। पुरानी वाली ड्यूक की टॉप एंड नहीं थी भाई, याद है मुझे, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था टॉप एंड देख के उसकी। मैंने कहा इससे अच्छी तो 200 cc है। देखो आप, आ गई भाई, आ गई बगल में, आ गई। लंबे रेस
एग्जॉस्ट नहीं है ना, इसकी वजह से थोड़ा उसका बेनिफिट मिल रहा है। बट यार एक चीज मैंने नोटिस किया, 250 cc का जो सेगमेंट है इसमें लिमिटर नहीं आ रहा यार। पीछे चल रहे थे अभी तो आगे नहीं निकल पा रही नई वाली जो ड्यूक है भाई। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस आया पर आगे नहीं निकल पाई। मुझे लग रहा है थोड़ा एग्जॉस्ट का जो है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कितनी गई? वन फिफ्टी के आसपास। फिर भी आगे निकल गई। बताओ मेरी 150 गई थी। यार ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी नई बाइक है उन्हें थोड़ा थोड़ा मीटर एरर दे रहा है? मीटर एरर दे रखा है भाई। 390 में हमने नोटिस किया, आरसी जो थी वो 171 पे आगे चल रही थी, नहीं जा रही थी, और फिर भी वो 178 चल रही थी, नहीं निकल पा रही थी। मुझे लग रहा है स्पीड ज्यादा दिखाने के लिए किया गया ये सब। और अभी हम लोग पुरानी वाली, यार पुरानी वाली थोड़ी लंबी है ड्यूक, सीट जो है लंबी है, नई वाली की सीट बहुत कॉम्पैक्ट है। देखो इनिशियल तो तगड़ा है उसका, देखो यहाँ पे जो भाई कुछ शिफ्टर का जो कमाल है यही है, हमें एक्सीलेटर कम ही नहीं करना पड़ रहा, धक धक मार रहे हैं कुछ शिफ्टर। नई वाले का 100% जो नई वाली है उसका इनिशियल तगड़ा है, इनिशियल को टक्कर नहीं दे सकते क्योंकि मेरे में भी आगे निकली थी और इसके में भी आगे निकली है। और इनिशियल में निकले हैं लेके गाड़ी, निकलते ही चले आए, अभी तक पुरानी वाली ड्यूक नहीं निकल पाई है। बट टॉप एंड, टॉप एंड पुरानी वाली की ज़्यादा है मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो मैं आ गया बगल में, बगल में आ गया बिल्कुल। स्पीड है भाई इसकी।
देखो एकदम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ऐसा लग रहा था कि निकलने वाली है। जोश में आ गया। बिल्कुल लास्ट में ऐसा लग रहा था कि निकलने वाली है जब रेस ख़त्म होने वाली थी तब, लेकिन भाई मीटर एरर बहुत है क्योंकि अभी मैं देखूंगा पूछूंगा अविनाश से उसकी कितनी गई, क्योंकि मेरी वाली तो भाई मुझे लग रहा है 142-143 गई थी, इससे ज़्यादा नहीं गई थी। मुझे लग रहा है ना मीटर एरर अच्छा खासा है, 142-143 गई थी ये 141 मतलब 48 50 51, बताओ ये 143 जा रही है 158 जा रही है और इतना अंतर था बस मीटर एरर का। हाँ भाई मीटर एरर दे रखा है, 4-5 का दे दिया इसमें मीटर एरर, पिछली बार नहीं था अब दे दिया 4-5 का। और जान दो टॉप स्पीड मुझे लग रहा है दोनों की लगभग बराबर है, क्योंकि जो थोड़ा वेट का डिफरेंस था उतना ही था पहले इनिशियल में जो थोड़ा सा निकल गया। हाँ अच्छा एक बेनिफिट इसमें और मिल रहा है क्विक शिफ्टर का। हाँ इनिशियल तो इसका अच्छा है। नहीं मैंने जैसे इनिशियल में क्विक शिफ्टर यूज नहीं किया था फिर भी आगे निकल गई थी, लेकिन जो माइनर सेकंड का गैप आता है बहुत रेस उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी आपकी ड्रैग रेस और आप लोग ने देखा कि भाई इनिशियल में नई वाली जो ड्यूक है वो काफी ज्यादा तेज है, पुरानी वाली ड्यूक बिल्कुल भी उसको कंपेयर नहीं कर पा रही इनिशियल में, इनिशियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका। और जो मतलब पिकअप है ना वो भी इनिशियल में जो एक्सेलरेशन है वो भी बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना फ्लो में ऐसा लगेगा नहीं आपको कि थोड़ा सा कहीं पे ज़्यादा हो गया कम हो गया, जितना एक्सेलरेशन आप दोगे बहुत नपातुला है, बहुत मज़ा आएगी चलाने में। तो आप बताइएगा आपको ड्रैग रेस कैसे लगी, सोशल मीडिया हैंडल मेरे अनएक्सप्लोर है वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ राम, राइड हार्ट राइड सेफ, सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।